अकबर, तानसेन और संगीत। अकबर ने एक दिन तानसेन को कहा, तुम्हारे संगीत को सुनता हूँ तो मन में ऐसे ख्याल उठता कि तुम जैसे गाने वाला शायद ही इस दुनिया पर कभी हुआ और ना हो सकेगा, क्योंकि इससे ऊंचाई और क्या हो सकेगी, इसकी धारणा भी नहीं बनती। तुम सीकर हो, लेकिन कल रात जब तुम विदा किया था और सोने लगा तब अचानक ख्याल आया, तो हो सकता तुमने भी किसी से सीखा, तुम्हारा भी कोई गुरु होगा। तो मैं आज तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा गुरु कौन है, कोई तो होगा, तुमने किससे सीखा है? तो तानसेन ने कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरु के सामने, जिससे सीखा है उसके चरणों के धूल भी नहीं हूँ, इसलिए वह ख्याल मन से छोड़ दे सीकर, भूमि पर भी नहीं हूँ। लेकिन आपने मुझे ही जाना है, इसलिए आपको सीकर मालूम पड़ता। ऊंट जब पहाड़ के करीब आता तब उसे पता चलता, अन्यथा वह पहाड़ होता ही है। पर तानसेन ने कहा कि मैं गुरु के चरणों में बैठा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कभी उनके चरणों में बैठने की योग्यता भी हो जाए तो समझूंगा बहुत कुछ पा लिया। तो अकबर ने कहा, तुम्हारे गुरु जीवित तो है, तत्काल अभी और आज उन्हें ले आओ, मैं सुनना चाहूँगा। पर तानसेन ने कहा, ये तो कठिनाई है, जीवित तो वह है लेकिन उन्हें लाया नहीं जा सकता। अकबर ने कहा, जो भी भेंट करना होगा तैयारी है, जो भी इच्छा हो मैं दे दूंगा, तुम जो कहो वही देंगे। तानसेन ने कहा, वह कठिनाई है क्योंकि उन्हें कुछ लेने को राजी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह कुछ लेने का प्रश्न ही नहीं है। अकबर ने कहा, कुछ लेने का प्रश्न नहीं है तो क्या उपाय किया जाए? तानसेन ने कहा, कोई उपाय नहीं, आपको चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, मैं भी चलने को तैयार हूँ। तानसेन ने कहा, अभी चलने से कोई सार नहीं, क्योंकि कहने से वह गाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है वे गाना बजाना नहीं करते, तब कोई सुन ले बात और है, तो मैं पता लगाता हूँ कि वह कब गाना बजाते हैं और गाते हैं, तब हम चलेंगे। पता चला हरिदास फकीर उसके गुरु थे, जमुना के किनारे रहते थे। पता चला रात 3 बजे उठकर वो गाते नाचते हैं। वो शायद ही दुनिया का किसी अकबर की हैसियत के सम्राट ने 3 बजे रात चोरी से किसी संगीतकार को सुना हो। अकबर और तानसेन चोरी से झोपड़ी के बाहर ठंडी रात में छिप कर बैठ गए। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह जब बाबा हरिदास ने भक्ति भाव से गीत गाया और मस्त होकर ढोने लगे, तब अकबर की आंखों से आंसू झरझर करके गिर रहा था। वह केवल मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे और एक शब्द नहीं बोले। संगीत बंद हुआ, आपस घर जाने लगा। सुबह की लाली आसमान पर फैल रही थी। अकबर शांत मौन चलते रहे, रास्ते भर तानसेन से भी नहीं बोले। महल के द्वार पर जाकर तानसेन से केवल इतना कहा, अब तक सोचता कि तुम जैसा कोई भी नहीं गा बजा सकता, ये मेरा भ्रम आज टूट गया। अब सोचता हूँ कि तुम कहाँ हो, लेकिन क्या बात है, तुम अपने गुरु जैसा क्यों नहीं गा सकते हो? तानसेन ने कहा, बात तो बिल्कुल साफ है, मैं कुछ पाने के लिए बजाता हूँ गाता हूँ, और मेरे गुरु ने कुछ पा लिया है इसलिए बजाते। मेरे बजाने के आगे कुछ लक्ष्य है, जो मुझे मिले उसमें मेरे प्राण है, इसलिए बजाने में मेरे प्राण पूरे कभी नहीं हो पाते। बजाते गाते समय मैं सदा अधूरा रहता हूँ, अंश हूँ। अगर बिना गाए बजाए भी मुझे वह मिल जाए जो गाने से मिलता है, तो गाने बजाने को फेंक कर उसे ही पालूंगा। गाना मेरे लिए साधन है, साध्य नहीं, साध्य कहीं और है, भविष्य में, धन में है, यश में है, प्रतिष्ठा में है, साध कहीं और है। संगीत सिर्फ साधन है, साधन कभी आत्मा नहीं बन सकता, साध में ही आत्मा का वास होता। अगर साध बिना साधन के मिल जाए तो साध को छोड़ दूं अभी इसी वक्त तत्काल, लेकिन नहीं मिलता साधन के बिना, इसलिए साधन को खींचता हूं। लेकिन दृष्टि और प्राण और आकांक्षा और ये सब घूमता साध के निकट। लेकिन जिनको आप सुनकर आ रहे, संगीत उनके लिए कुछ पाने का साधन नहीं है, आगे भी कुछ भी नहीं है जिसे पाने को वह गा बजा रहा है, बल्कि पीछे कुछ है वह रहा जिससे उनका संगीत फूट रहा और बज रहा है। कुछ पा लिया, कुछ भर गया, वह रहा है, कोई अनुभूति, कोई सत्य, कोई परमात्मा प्राणों में भर गया, अब वह रहा, पैमाना छड़क रहा आनंद का, उत्सव का। अकबर बार बार पूछने लगा, किस लिए, किस लिए? संभवतः हम भी पूछते, किस लिए? पर तानसेन ने कहा, नदियाँ किस लिए बह रही, फूल किस लिए खिल रहे, चांद सूरज किस लिए चमक रहे, जीवन किस लिए बह रहा है, किस लिए मनुष्य को बुद्धि ने पैदा किया? सारा जगत ओवरफ्लोइंग है, आदमी को छोड़कर सारा जगत आगे के लिए जी रहा है, सारा जगत भीतर से जी रहा है। फूल खिल रहे, खिलने का आनंद है, सूर्य निकलता है, निकलने का आनंद है, पक्षी गीत गा रहा, गाने में आनंद है, हवाएं बह रही, चांद तारे आकाश गंगा चमक रही, चारों तरफ एक उत्सव का माहौल है। पर आदमी इसके बीच में कैसे पत्थर और बेजान सा हो गया,
आनंद अभी है, यही है, सैंग में, विराजने में है, अपने होने में है, अभी और यही। अकबर ने पूछा, तब हम उसे कैसे पाए, क्या करें जो आपके गुरु को मिला। उसके गायन में, उसके नृत्य में कुछ अभूतपूर्व था, कुछ प्रसाद था जो मैंने अभी तक नहीं देखा। ऐसे थे तानसेन के गुरु फकीर संत हरिदास।